हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। आज की वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो अभी अपने बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे बच्चे को सॉलिड देना कब से स्टार्ट करना चाहिए, बच्चे को पहला खाना क्या दें और 5, 6 या 7 मंथ के बच्चे का कंप्लीट डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में हम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो अगर आप अपने बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट करने वाले हैं तो आपका जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें बच्चे को खाना देना कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो जब बच्चा 5.5 मंथ का होता है तो कुछ साइन देने लगता है जिससे पता चलता है कि बच्चा खाना खाने के लिए तैयार है। जैसे बच्चा सपोर्ट से बैठने लगता है और खाने को देखकर अट्रैक्ट होता है, ऐसा लगता है कि बच्चा खाना खाना चाहता है। इसका मतलब है बच्चा खाने को तैयार है। आप 5.5 मंथ से बच्चे को खाना देना स्टार्ट कर सकते हैं अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पर है उस केस में। और अगर बच्चा फॉर्मुला मिल्क पर है और बच्चा सपोर्ट से बैठने लगा है तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर 5 मंथ पर भी बच्चे का खाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे को पहला खाना क्या खिलाना चाहिए। बच्चे के पहले खाने में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, फ्रूट्स प्यूरी जिसमें बनाना प्यूरी होती है, एप्पल प्यूरी होती है, या वेजिटेबल प्यूरीज जैसे कैरेट प्यूरी, पम्पकिन प्यूरी यानी कद्दू की प्यूरी, लौकी की प्यूरी। आप इनमें से किसी से भी बच्चे का खाना स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके लोकल कस्टम पे डिपेंड करता है। फ्रूट्स प्यूरी नेचुरल स्वीट होती है जैसे बनाना प्यूरी हुई या एप्पल प्यूरी हुई, तो बच्चा इसे आराम से खा लेता है। इसलिए कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चे को फ्रूट्स प्यूरी से खाना देना स्टार्ट किया जाए। और वेजिटेबल प्यूरीज भी बहुत हेल्दी होती हैं बच्चे के लिए, ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में और फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती हैं, इसलिए आप अपने बच्चे का खाना वेजिटेबल प्यूरीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप जो खाना बच्चे को देना स्टार्ट करते हैं 1 वीक तक आपको सेम ही खाना बच्चे को देना है क्योंकि ये टेस्ट बच्चे के लिए बिल्कुल नया है। अब तक बच्चा केवल ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुला मिल्क पे था, इस टेस्ट से फेमिलियर होने में बच्चे को टाइम लगता है, इसलिए 1 वीक तक सेम खाना बच्चे को दीजिए। स्टार्टिंग में 2 से 3 स्पून वो खिलाइए और फिर धीरे धीरे वीक के एंड तक इसकी क्वांटिटी 8 से 10 स्पून हो जाती है। और अगर आप बच्चे को दाल का पानी या चावल का पानी देते हैं तो उस केस में दाल या चावल को 2 घंटे भिगो कर रखिए, इससे बच्चे को गैस नहीं बनेगी। और दाल और चावल बनाते समय उसमें 1 पिंच हींग डाल दीजिए। स्टार्टिंग में बच्चे को दिन में 1 बार ही सॉलिड खिलाइए और सबसे सही होता है आप बच्चे को मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट में वो सॉलिड खिला दीजिए, जिससे अगर बच्चे को गैस हो रही है या किसी फूड से एलर्जी है तो आपको दिन में पता चल जाएगा। शाम के टाइम हमें बच्चे को सॉलिड देना स्टार्टिंग में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अगर बच्चे को गैस होगी तो बच्चा रात में सो भी नहीं पाएगा। और 15 डेज बाद बच्चे को सॉलिड देना आप 2 बार कर सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में दे दिया और फिर लंच में दे दीजिए। और जब आप बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं तो उसी के साथ आप बच्चे को पानी देना भी स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में 1-2 से बच्चे को पानी दीजिए और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ाइए। अब बात करते हैं कि बच्चे के फर्स्ट मंथ का डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए। तो वीक 1 में जैसे हमने एप्पल प्यूरी से बच्चे को खाना देना स्टार्ट किया तो हम पूरे वीक बच्चे को एप्पल प्यूरी देंगे। अगर बच्चे को उससे गैस हो रही है या बच्चा उसे नहीं खा रहा है तो 2 दिन बाद हम उसे चेंज करके दूसरा खाना दे सकते हैं। और बच्चे की कोई भी प्यूरी बनाने के लिए उसकी कंसिस्टेंसी हम ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे, ये सेमी सॉलिड होता है इसलिए थोड़ी सी थिक रखिए। फिर नेक्स्ट वीक में हम बच्चे को बनाना प्यूरी देना स्टार्ट करते हैं। पूरे वीक हमने बच्चे को बनाना प्यूरी दी, फिर वीक 3 में हम बच्चे को कोई और प्यूरी दे सकते हैं, जैसे हमने बच्चे को कैरेट प्यूरी मॉर्निंग में दी। और वीक 3 में हम बच्चे को दिन में 2 बार भी खाना दे सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम पर और लंच के टाइम पर। लेकिन हमें ये देखना होगा कि बच्चा अच्छे से खाना डाइजेस्ट कर रहा है, उसी केस में बच्चे का खाना 2 बार करिए। और फिर वीक 4 में हम बच्चे को कोई और प्यूरी दे सकते हैं, जैसे हमने बच्चे को लौकी की प्यूरी देना स्टार्ट किया तो दिन में 2 बार हम बच्चे को लौकी की प्यूरी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में और लंच में। लौकी बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत होती है और ये इजी टू डाइजेस्ट होती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप बच्चे का खाना स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपका जानना जरूरी है। पहला, कभी भी हमें बच्चे को फोर्स फीडिंग नहीं करनी चाहिए, यानी ज़बरदस्ती बच्चे को खाना नहीं खिलाना है। अगर बच्चे को एक खाना पसंद नहीं आ रहा तो 2-3 दिन में उस खाने को चेंज कर दीजिए और दूसरा खाना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है, बच्चे को फ्रेश बना हुआ खाना ही देना चाहिए। नेक्स्ट है, कुछ लोग छोटे बच्चे को दूध और बिस्किट देना स्टार्ट कर देते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। 1 साल से पहले आपको बच्चे को बिस्किट नहीं देना है, ये मैदा से बना होता है और उसमें चीनी मिली होती है। नेक्स्ट है,
बच्चे का खाना बनाने में अगर आपको मिल्क की ज़रूरत है तो उस केस में आप ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुला मिल्क का यूज़ करिए, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मुला मिल्क को हम गर्म नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बच्चे के लिए खीर बना रहे हैं, उस केस में हम ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुला मिल्क को गर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप उस केस में काऊ मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 1 साल से छोटे बच्चे को रेगुलर पिलाने के लिए हमें काऊ मिल्क का यूज़ नहीं करना है, केवल ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुला मिल्क का ही यूज़ करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।